नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन आकांक्षा रैली के बहाने कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार में कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है और इसी कड़ी में इस रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, नोटबंदी से लेकर राफेल तक का जिक्र किया और किसानों की कर्ज माफी से लेकर किसानों को 6,000 रूपये दिए जाने के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। ये 30 साल बाद की जन आकांक्षा है जब कांग्रेस ने अपने बूते पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ताकत दिखाई और चुनावी शंखनाद किया। इस रैली में कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए और शामिल 3 राज्यों के सीएम भी हुए जिन्होंने हाल ही में बीजेपी को हराया है। संदेश केंद्र को दिया गया कि कांग्रेस को अब कमजोर न आके, क्योंकि इस बार वो मुद्दों के साथ बीजेपी को टक्कर देने जा रही है। इन मुद्दों का राहुल गांधी ने रैली के मंच से जिक्र भी किया। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देगी, मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखाएगी। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। राहुल गांधी ने मंच से राफेल से लेकर नोटबंदी तक का मुद्दा छेड़कर केंद्र सरकार पर हमला बोला, मोदी सरकार को सीधे सीधे घेरा और पूंजीपतियों को मदद करने का आरोप लगाया। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो और फिर ताली बजाते हो कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया। 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में डालते हैं, शर्म की बात है। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में, 3.5 रुपए एक व्यक्ति परिवार के एक व्यक्ति। चौकीदार चोर है, पूरा देश जानता है। 3 दशक के बाद गांधी मैदान में कांग्रेस की रैली हुई, भीड़ भी जुटी, लेकिन इस भीड़ को साधने में राहुल गांधी कितने कामयाब हुए ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। राहुल गांधी का भाषण खत्म हो चुका है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो रैली में आए थे, इनसे जानते हैं कि राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा। बहुत अच्छा। मोदी आप भाग जाएगा देश छोड़ कर। बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पे राहुल गांधी के भाषण से काफी लोग प्रभावित हैं, उनको अच्छा लगा। कैमरामैन फिरोज के साथ हीरा साधु। एक तरफ कांग्रेस ने पटना में शक्ति प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ विरोधियों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि तेजस्वी का परिवार भ्रष्टाचार में फंसा है, तो क्या राहुल गांधी उसके बारे में बताएंगे? वहीं जेडीयू ने कांग्रेस की रैली को फ्लॉप शो करार दिया। देखिए, 30 साल के बाद कांग्रेस पटना में रैली कर रही थी, 3-3 मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा किया, अनंत सिंह जैसे अपराधी का इस्तेमाल किया और तो भी 25,000 की भीड़ भी नहीं जुटा पाए। अगर अनंत सिंह नहीं होते तो नुक्कड़ सभा बन के रह जाती। इससे तो तिगुनी चौगुनी भीड़ मायावती इकट्ठा कर लेती है, छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का ये हाल कि अनंत सिंह की मदद लेने के बावजूद 25,000 की भीड़ भी नहीं जुटा पाए। तरह तरह के लोग जो टिकट के आकांक्षी हैं, जो चाहते हैं कि महागठबंधन से हमको टिकट मिल जाए या कोई उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की राजनीति है, तो इसके चलते रैली में जो लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्रक्चर और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अभी बिहार में लचर फचर है। कांग्रेस की इस रैली ने एक बार फिर से महागठबंधन के लिए साझा मंच तैयार किया। महागठबंधन के तमाम साथी एक मंच पर नजर आए और एक साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला।
कांग्रेस की रैली के जरिए एक मंच पर फिर से महागठबंधन साथ दिखा। महागठबंधन के तमाम साथी आरजेडी के तेजस्वी यादव, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, एलजेडी के शरद यादव और लेफ्ट के भी नेताओं ने मंच साझा किया। महागठबंधन के साथियों ने भी केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। आरजेडी ने राम मंदिर का जिक्र छेड़ा और राहुल को पीएम के काबिल बताया। चलता है राम जी और सीता मैया स्वर्ग में बैठे थे, राम जी को हिचकी आती है, सीता मैया पूछती है क्या हुआ प्रभु, राम जी कहते हैं कि लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है, इसलिए आप लोग सावधानी बैठने का काम कीजिएगा। हम लोग सब लोग आज सब लोग राहुल गांधी जी, हमसे जब सवाल पूछा जाता है कि आप राहुल गांधी जी में आप काबिलियत देखते हैं कि नहीं देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो हम लोग सब लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं, राहुल गांधी जी में योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, एलजेडी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और वर्तमान हालात को अघोषित इमरजेंसी करार दिया। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम ने भी बीजेपी की पिछली सरकारों की पोल खोली। ये जो लोग हैं एनडीए के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्हें जो इन्होंने किया है 70 वर्ष में कभी नहीं हुआ, इनको रुखसत करना है, इनको सरकाना है, इन्हें हटाना है। आज का नौजवान में एक तड़प है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वे तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। देश में जिस प्रकार से हिंसा का माहौल है, नफरत का माहौल है, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं हमारी किसी से अलावा तो नहीं है, हम चाहते हैं प्यार से भाईचारे से सद्भाव से राजनीति हो, लड़ाई हमारी विचारधारा की है, नीतियों की, सिद्धांतों की है। तीन राज्यों में बीजेपी को हराकर कांग्रेस उत्साहित है और उसे उम्मीद भी है कि महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में भी तीर के साथ साथ कमल को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की रैली को पूरी तरीके से फ्लॉप कहा है। राहुल गांधी सपना देखते हैं, दीवा सपना जिसको करते हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखे थे, देखो टीवी पे चलता था, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे थे, 40 का 40 सीट जीतेंगे, उनका खाता नहीं खुले। वो कल्पनाथ जी को, जिनका नाम श्री कमलनाथ जी है, जो मुख्यमंत्री जी है, थोड़ा बीच में घबरा जाते हैं उनकी कल्पना को सत कहते हैं, है ना। कांग्रेस कभी वादा पूरा नहीं की है, 55 वर्षों में न कुछ की है न कभी वादा पूरी की है, वह कांग्रेस आगे भी कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस की रैली हुई और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में गृह युद्ध छिड़ गया। दरअसल रैली के शुरू होने से ठीक पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ताओं ने रैली के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। प्रवक्ताओं ने कहा कि रैली में व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम विरोध करते हैं। उनके इस बयान के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कार्रवाई के संकेत दिए। लगता है कि देखिए आयोजन के मामले में तो मैंने आपको बताया, जब सहयोगी दलों को बैठने तक की स्थिति नहीं थी तो आयोजन तो पूरी तरह से फ्लॉप कहा जाएगा। और रही बात भीड़ की, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ होती तब भीड़ कही जाती, आप माफियाओं को दल में ला करके भीड़ इकट्ठा करने की बात करते हो और फिर भी उतनी भीड़ नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दलों के साथ गठबंधन, महागठबंधन के मैं नेताओं से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पुनर्विचार करें कि क्या वैसे दलों के साथ गठबंधन करना सही है जो माफियाओं के सहारे बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी का वजूद बचाने की कोशिश। ये लगा था कि
जितने सारे दबंग लोग कांग्रेस में कुछ लोग आए हैं उनके सहारे रैली किया जा रहा है, काफी भीड़ होगी लेकिन उनके सहारे रैली फ्लॉप कर गई है। और मैं आपसे कहूंगा और राहुल गांधी से भी मैं कहूंगा कि जो आप दबंगों को जो लेना चाह रहे हैं, जो बेनामी लोगों को लेना चाह रहे हैं, इससे सावधान रहने तो गठबंधन में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इधर बीजेपी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ताओं के आरोपों को सही बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जीतन राम मांझी का अपमान किया, इसलिए उनके प्रवक्ताओं ने रैली का बहिष्कार किया। जीतन राम मांझी जी के साथ ये लोग दलितों शोषितों की बात करते हैं और जीतन राम मांझी से पहले ही मंच पर बुलवा दिया और उसके बाद छोटे छोटे लोगों को बुलवाया, अपमानित किया। मुसलमानों का भी कोई नेतृत्व नहीं था, इसलिए यह पूरी तरह राहुल गांधी और उनके जो सोकॉल लोग थे ये बिहार ने बता दिया कि आपका कोई जनाधार यहाँ नहीं है, आप इसी तरह गाल फुलाएं और बात। अपने प्रवक्ताओं के बयान की पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कड़ी निंदा की। उन्होंने संकेत दिए कि दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सर, आप रैली को सफल बता रहे हैं लेकिन आपके प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो नौसिखिया की तरह रैली की हुई थी, बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी और माफिया के द्वारा यहाँ पर भीड़ बुलाया गया था और माफिया के द्वारा भीड़ बुलाया गया था और उसके बाद भी सफल नहीं रही, क्या कहेंगे सर इसके भी? अब क्या कहा है हम नहीं जानते हैं, ये आप कह रहे हैं। सर, दानिश रिजवान और विजय यादव आपके प्रवक्ता हैं, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि फ्लॉप रैली होगा। बैठने के लिए कोई व्यवस्था तो सब जगह थी, बैठने के लिए उन लोगों को भी गेट पास मिला था और उसके बाद वो अगर बोलते हैं तो उनकी बात है, मैं नहीं कर सकता हूं। हम जहां तक है अधिकृत में कर सकते हैं, रैली सफल थी, इससे अच्छी रैली कांग्रेस से आशा नहीं की जा सकती। लेकिन प्रवक्ता तो आपका कह रहे हैं कि वे सफल और अपराधियों के द्वारा वहां भीड़ जुटाया गया था, वो गलत कह रहे हैं। अगर वो कई किए हैं, अगर ऐसी बात होगी तो हम उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देंगे। आप अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करेंगे? निश्चित करेंगे, अगर ऐसा कहा होगा तो उनसे पूछा जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि रैली सफल हुई है, उनके प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कि रैली सफल नहीं हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है मांझी ने कि अगर हमारे प्रवक्ता ऐसी बात किए हैं तो अपने प्रवक्ता पर कार्रवाई करेंगे। कैमरा जीतन झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना विमेंस कॉलेज के छात्रों से रूबरू हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने देश भर के 25 कॉलेजों के छात्रों से बात की। इन कॉलेजों में बिहार से पटना विमेंस कॉलेज का चयन हुआ है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा, पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद सिंह, सतीश चंद्र झा मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 500 छात्राओं के अलावा 6 बच्चों का चयन किया गया था जिन्होंने पीएम से बात की। बिहार के हाजीपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ। जोगबनी से दिल्ली जा रही सीमांचल एक्सप्रेस आज तड़के बेपटरी हो गई। इस हादसे में 7 यात्रियों की मौत हुई है जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि रेल पटरी के टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं रेल मंत्रालय और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। जैसे यह घटना हुआ बहुत तेज आवाज आई है जैसे कि कोई ब्लास्ट हुआ हो। दिक्कत नहीं है, गांव वाले सहयोग किया। अभी तक कंफर्म 7 कैजुअलिटीज हैं। तड़के बेपटरी हुई ट्रेन, सीमांचल के 11 डिब्बे पलटे। हाजीपुर में बड़ा हादसा। जोरदार आवाज के साथ हाजीपुर बछवाड़ा रेल सेक्शन के बीच सहदोई स्टेशन के आउटर पर सीमांचल एक्सप्रेस डीरेल हो गई। सुबह करीब 4 बजे का वक्त हुआ होगा जब यह हादसा हुआ। उस वक्त ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे, लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, आवाज और लोगों की शोर सुनकर स्थानीय दौड़ पड़े। जैसे ही यह घटना हुआ बहुत तेज आवाज आई है जैसे कि कोई ब्लास्ट हुआ हो, इतना तगड़ा आवाज था। हम लोग सोए हुए थे उस समय, जग के आए हैं। जो घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल हम लोगों ने पहुंचाया। दिक्कत नहीं है, गांव वाले सहयोग किया है और जो भी इंजर्ड था टोटल हॉस्पिटलाइज हो चुका है।
बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डब्बे डिरेल हो गए। इनमें से 3 कोच पूरी तरीके से पलट गए। हादसा सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के करीब हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की वजह पटरी टूटी होना बताया जा रहा है। सर, अभी कितनी कैजुअलिटी हुई है, कहां कहां के हैं जो लोग कैजुअलिटी हैं? अभी तक कंफर्म 7 कैजुअलिटीज हैं। 6 के बारे में हम लोग का आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है। 3 लोग बंगाल के हैं, 3 खगड़िया के हैं। हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे तो ट्रेसर ड्रॉप हुआ, गाड़ी खड़ी हुई। इसके बाद वाकी टाकी से गार्ड से संपर्क किया मैंने, तो गार्ड साहब बताए कि एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद रेल मंत्रालय की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। हादसे में मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर घायलों के लिए 1 लाख रुपए और मामूली तौर पर घायल लोगों को 50,000 रुपए सहायता देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा घायलों के इलाज का खर्च भी रेलवे की तरफ से किया जाएगा। इधर बिहार सरकार की तरफ से मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच गई है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी वहां पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है और जो फर्स्ट एड जो दी जा रही है यहां पे पीएचसी जो है से देव बुजुर्ग में वहां से हम लोग दिलवा रहे हैं। मुआवजे के मरहम से तत्कालिक राहत तो मिल गई है, लेकिन जिन्होंने अपना खोया है उनके जख्म ताउम्र बने रहेंगे। वो जख्म कभी नहीं भर सकते हैं। रजनीश, जी मीडिया, पटना। हाजीपुर में हुए रेल हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने रेलवे अधिकारियों और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस पथराव में कई लोग घायल हुए। हालांकि बाद में थोड़ी सख्ती बरतने के बाद लोग शांत हुए। हादसे के बाद भड़का गुस्सा, प्रशासन की टीम पर पथराव, स्थानीय लोगों का हंगामा। हादसे के बाद जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए और यहाँ पे मौके पर अफरा तफरी की स्थिति और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। तमाम सारे जो लोग हैं वहाँ पे इसमें भागा भागी है। प्रशासन ने जब यहाँ पे भीड़ को टैकल करने की कोशिश की तो दूसरे ओर से स्थानीय जो लोग हैं उनकी ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थर बरसाने वाले वही लोग थे जो सबसे पहले हादसे में फंसे रेल यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे। उन्हीं की मदद से कई यात्रियों की जान बची। जो फंसे थे उन्हें निकाला गया, लेकिन मदद के जुनून में उनके अंदर गुस्सा भरा था प्रशासन के खिलाफ और वो पत्थरबाजी के रूप में निकला। इसको लेकर कई जो लोग हैं उन्हें चोटें आई हैं और यहाँ पे अब लोगों को हटाया जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम थी इस बोगी के ऊपर में वो ट्रेन के आर में जगह वो ले लिए हैं, तो काफी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा उन्हें। तमाम सारे जो लोग थे एनडीआरएफ के वो यहाँ पे अब जगह ले लिए हैं। फिलहाल तो राहत और बचाव का काम पूरा हो गया है। ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। कई घायलों को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। लेकिन पत्थरबाजी की घटना से प्रशासन को समझना होगा कि लोग अब ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। सिस्टम की लापरवाही को लेकर गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है और ये झलक भी गया। सिस्टम नहीं सुधरा तो क्या होगा समझना काफी है। रजनीश, जी मीडिया, हाजीपुर। हाजीपुर रेल हादसे को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि रेल हादसे में लोग कब तक अपनी जान यूं ही गंवाते रहेंगे। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या रेलवे अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा। ये सवाल सिर्फ विरोधी ही नहीं पूछ रहे, सरकार के सहयोगी भी पूछ रहे हैं। हालांकि इन सारे सवालों का जवाब मुआवजे के तौर पर दिया जा चुका है, लेकिन आम जनता का गुस्सा उससे यह समझ में आ रहा है कि अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं।
हादसे के इन तस्वीरों ने एक बार फिर से रेलवे पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इन मौतों के लिए रेलवे की नाकामियां जिम्मेदार है? क्या बड़े बड़े दावों के अंदर खोखली पटरियों को छुपाया जा रहा है जिन पर मौत की रेल दौड़ती है? ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं बल्कि सत्ता के साझेदार साथी भी जानना चाहते हैं। रेलवे का ट्रैक जो है उसका निगरानी हमेशा रखना चाहिए कि इसका एक कितना क्या कहते हैं कि रेलवे का ट्रैक का कितना एज होता है, कितने दिन से ट्रैक जो है वो पुराने लगे हुए हैं, ये सब को देखना चाहिए। तो प्राथमिक तौर पे हालांकि रेल प्रशासन लाख कहे कि लापरवाही नहीं है, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे वस्तु स्थिति है वो कई सारे सवाल खड़ा करते हैं और सवाल रेल सुरक्षा और सफल सुखद यात्रा की जो दावेदारी की जाती है उस पर कई सारे सवालिया निशान और ये लापरवाही का मामला अगर आप देखें तो साफ नजर आता है। दरअसल ये सवाल पूर्व रेल मंत्री और वर्तमान में केंद्र की सरकार में मंत्री रामविलास ने मौके पर पहुंचकर पूछा और जो सवाल पूछा है कुछ वैसा ही सवाल विरोधी भी कर रहे हैं कि इस बड़े हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसी तरह रेल यात्री मरते रहेंगे या फिर सिस्टम को दुरुस्त करना होगा? किसकी मेज थपथपा रहे थे, किसके लिए थपथपा रहे थे? आपके लिए आपकी प्राथमिकता क्या? बुलेट ट्रेन? अरे पहले महफूज करिए लोगों को, पौने पांच वर्ष में जितने हादसे हुए उतना पहले कभी नहीं हुआ। और इस हादसा के लिए हम भारत सरकार को ब्लेम करते हैं कि भारत सरकार नई नई योजना का मैंने शुरुआत करने के लिए लोगों को ऊंची आवाज से बात बोलती है। रेल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सीमांचल एक्सप्रेस के डिब्बों के पटरी से उतरने की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। रेलवे एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर झारखंड सलोनी की।